आपस में हमारे प्यार मोहब्बत वैसे ही बरकरार रहे जैसे पहले थे। ये सूरावाड़ा या अकौलना साथ वाड़ा, निजामुद्दीन वाड़ा, रायोनी वाड़ा, ये कोई दोनों हैं, एक ही हैं दोनों। लेकिन दोनों के अंदर थोड़ी सी गलत फहमी आई पड़ी है, जैसे भाई भाई के अंदर आ जामा गलत फहमी। उन गलत फहमी की वजह से ये अब हमने अलग अलग नजर आ रहा है, अब हम इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कई तरह इकट्ठा हो जामा। लेकिन कुछ लोग अपना जाती मुफादात की खातिर इन दोनों लोगों ने जुड़न ना देखा, जाती मुफादात की खातिर हम जा रहा कि देखो राय मरकज की ना रही, एक शाख की हैसियत रही है, उस निजाम की शाख रही है। मौलाना यूसुफ साहब ने क्षेत्र में शाख बनाई है और वावकत से लेके अब तक मरकज न है, शाख है। और हम यह चाह रहे हैं कि अब भी इस शाख का तौर पे ही काम करें और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बानी तबलीग हैं, जो हमारा मोहसिन हैं, जिनने हम हमारा बड़ा आबा और राह रास्त पे लगाया। हम तो उजड़ कौम है, हम तो जाने की सही चीज पहाड़ी लोग हैं, हमने तो कभी शहर को मुंह ना देखो आप। तो हम लोगों ने जाके उन लोगों ने मेहनत करी, दिन तक मेहनत करी, तकलीफ उठाई। एक वाक्य लिखो कि मौलाना मूसा साहब पहले तो हल चला रहे हो, हाली हो हल जोत रहे हो, बार बार बात जैसे हल चक्कर लगा के आवे। मौलाना इलियास साहब ये चला जावा, हाँ भाई उन्हें जी 4 साल हो गए, यह मामला ये भी तस्लीम कर लिया। बाकी जो है ना, अब आप लोग जो है ना मुतमैन रहो कि अल्लाह पाक जो ये सुलह अगर होएगी तो हम सबल अजर मिलेगा, सबल अजर मिलेगा। जितना लोग पीछे रहेगा, जिन तक आवाज पहुंची वो पीछे रहेगा, जो तुम आगा त्यारो हिस्सों होएगा। या मैं देखो असल तो है ना अल्लाह की रजा, खात्मा बिन ईमान हो जाए, असल मकसूद तो यू है ना सारी दुनिया हिदायत हो जाए, यू फिक्र है। और हमने तुमसे कह दी कि हम त्यौहार पांव पकड़ ले रहे हैं, त्यौहार हम तो हम जो है ना मामूर बन के जिंदगी गुजार रहा, अब भी गुजारेगा, पर यह खत्म करो लड़ाई झगड़ा है ना, कि मुख्तलिफ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो 4 मुख्तलिफ आवाज से बात करी गई, मौलवी इलियास ने बात करी, भाई बशीर ने बात करी, मैंने भी बात करी, दूसरा जो है ना भाई ने भी बात करी, बहुत जबरदस्त आपने बात करी, उनकी बात बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त थी। हाजी अब्दुल वहाब साहब नेवास से यू कह के गया है और उन लोग बताई घीन जोहर के टाइम मुलाकात हुई, पॉइंट आउट करी हर चीज वाले ने कही कि काम में बहुत खराबी आ गई और मेवात वाला उठ के या संभाल लो। उन लोग बता दी कि जनाब ऐसे ऐसे आज साहब ने कही है। वाके अलावा खत बड़ो तफसील से खत हो, पहलो खत भी उनके सामने हो, वाको उन्हें जवाब दियो हमने ये खत लिख दिया निजामुद्दीन उजारो है, जो निजामुद्दीन खत लिखो है मैंने